खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो वीडियो आपने देखा वह वीडियो है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, और यह जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं वो एक्चुअल में पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत करीबी हैं, और उन्होंने इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच दिया है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका पूरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और ये पंजाब के DG पुलिस रह चुके हैं। जी हाँ, ये पंजाब के फॉर्मर DG पुलिस रह चुके हैं, और एक DG पुलिस के जवान से क्या ऐसे शब्द शोभा देते हैं जो कि इतना ज़्यादा कॉम्युनल स्पीच दे रहे हैं, इतना ज़्यादा हेटेड स्पीच दे रहे हैं। और फिलहाल मोहम्मद मुस्तफ़ा पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं, एडवाइस दिया करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। वीडियो में मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने देंगे, मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं RSS का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊँगा, अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की खुदा की कसम इनके घर में घुस कर मारूंगा, आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ, मैंने जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर हिंदुओं को इजाज़त दी गई तो मैं ऐसी हालत पैदा कर दूंगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं RSS का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि आपके विचार क्या है इसके ऊपर, क्या आप ऐसी पार्टी को कभी वोट दोगे जिनके चीफ के सलाहकार इस तरीके के कंट्रोवर्शियल और हेटेड स्पीच देते हैं।